हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक्नोवेशन आई एम अमित और आज के इस यूजफुल वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेंचर में जो जॉब्स अवेलेबल हैं लेटेस्ट जॉब्स उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी इस वीडियो में सो so अगर जो लोग एक्सेंचर के बारे में नहीं जानते मैं उनको बता दूं एक्सेंचर एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी है एक बड़ा नाम है जिस तरह से आप लोग यहाँ पर टी सी एस इंफोसिस इन सभी कंपनी के बारे में जानते हैं विप्रो के बारे में जानते हैं वैसे ही आपको बता दूं जो लोग अगर नहीं जानते कि एक्सेंचर भी आईटी कंपनीज की लिस्ट में एक बड़ा नाम है और जो लोग आईटी फील्ड से हैं कंप्यूटर फील्ड से हैं वो लोग जरूर जानते होंगे यहाँ जो जॉब्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आई फील्ड से जो रिलेटेड जॉब्स नहीं है इसलिए ये ना सोचें कि यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर जो जॉब्स बताई जाएंगी वो कोई भी अप्लाई कर सकता है उसकी डिटेल्स आपसे शेयर की जाएगी सो so, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वर्ल्ड क्लास कंपनी के संग काम करने का मौका यहाँ पर ट्राई जरूर कीजिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आप लोगों से यहीं पर डिस्कस करूंगा कि एक्सेंचर में जो जॉब्स निकाली गई हैं यहाँ पर वो किस किस कैटेगरीज में है मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पर आप सो so, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जॉब्स हैं वो करीबन पाँच सौ जॉब्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये जॉब्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज है। में हैं डेफिनेटली आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब्स देखेंगी और यहाँ पर सारी जॉब्स टोटल फ्रेशर्स के लिए नहीं है लेकिन काफी सारी जॉब्स हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनमें बहुत एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी कोई खास नहीं मांगी गई है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ग्रेजुएट एक्चुअली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है तो अगर होगा तो बेटर है नहीं है तो यहां पर भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सो so अब हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि जॉब्स बहुत सारी हैं मैं आपको सारी जॉब्स यहां पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं बिकॉज वो आप खुद कर सकते हैं बट मैं कुछ जॉब्स के बारे में आपको जरूर बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगे कि एक्चुअली में किस तरह से जॉब्स दिखाई गई हैं किस कैटेगरी में है कैसे अप्लाई करना है बाकी आप लोग जो जितनी भी जॉब्स हैं यहां पर उनको खुद से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब है और जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए

सपोर्ट की जॉब है अब चूंकि ये एक्सेंचर का कस्टमर सपोर्ट होगा तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का होगा डेफिनेटली और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर हम बात करें तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए ठीक है और टाइम मैनेजमेंट तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है और कस्टमर सर्विस पे हम बात करें इस कैटेगरी में तो इनबाउंड और आउटबाउंड कस्टमर टाइप कस्टमर सर्विस दो टाइप की होती हैं इनबाउंड में आपको कॉल आते हैं और आउटबाउंड में आपको कॉल्स करने होते हैं ठीक है तो ये सिंपल uh, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर तो दोनों ही कैटेगरी में आपको काम मिल सकता है यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट सो कोई भी ग्रेजुएट यहां पर अप्लाई कर सकता है ठीक है ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ गुड कम्युनिकेशन स्किल है अब कस्टमर uh, सपोर्ट को लेकर तो वैसे आप लोग जानते ही हैं लेकिन एक्सेंचर में है ये तो यहां पर जो क्लाइंट्स होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे और आप यहाँ पर जब डील करेंगे उनसे तो आपको एक मजेदार फीलिंग होगी एक इंटरेस्टिंग फीलिंग होगी बिकॉज कहीं ना कहीं टेक सपोर्ट जैसा काम हो जाएगा ये ठीक है तो अच्छे लेवल की कंपनी में जब आप कस्टमर सपोर्ट भी करते हैं तो ये अच्छा खासा काम हो जाता है और डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास कंपनी है तो आपको जो इनवायरमेंट है जो माहौल है वो बेस्ट मिलेगा तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको लोकेशन कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोकेशन भाई यहाँ पर बैंगलोर दिखा रहा है तो यस yes, यहाँ पर जो जॉब लोकेशन रहेंगी अलग अलग जॉब्स की वो अलग अलग जगह दिखाएगा आपको कोई बेंगलोर होगी कोई मुंबई होगी लेकिन फिलहाल के सिनेरियोज में यही हो रहा है कि जितनी भी जॉब्स हैं वो अभी के केस में कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही है वर्क फ्रॉम होम ही करवाया जा रहा है ठीक है तो इसमें भी चांसेस पूरे हैं कि आपको यह वर्क फ्रॉम होम ही यहां पर अलॉट किया जाएगा लेकिन बाद में आपको इन जगहों पर रेलोकेट करना पड़ सकता है डेफिनेटली तो अब यह सोच के आपको इन जॉब्स को अवॉइड नहीं करना है बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप वैसे भी नहीं छोड़ना चाहोगे क्योंकि वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट मिलेगा आपको सारी की सारी हैं और अच्छा खासा पैकेज भी आपको मिल जाएगा तो अगर इस ग्रेजुएशन के साथ सिर्फ आप अच्छी कंपनी से कमाना चाहते हो तो इन जॉब्स को ट्राई करो लोकेशन को मत सोचना फिलहाल वर्क फ्रॉम होम आपको मिलेगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस हैं लेकिन बाद में रेलो, रेलोकेट के लिए तैयार रहना ठीक है तो पहली समझ में आ गई क्योरी मैनेजमेंट की जो जॉब है सपोर्ट की तो ये एक तरह की कस्टमर सपोर्ट ही है बस इससे ज्यादा ज्यादा मैं जादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा आप खुद जाकर चेक कर सकते हो इसकी मैं जरूर लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में ओके वीडियो के नीचे तो ये हो गई क्योरी मैनेजमेंट की दूसरा जॉब यहां पर देखते हैं देखो एक और जॉब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा ये जो जॉब है दूसरी यहां पर वो है कॉन्टेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्टेंट मॉडरेशन से रिलेटेड ओके नाम बड़े लगेंगे लेकिन काम मुश्किल नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा समझ के करोगे अच्छे लेवल का काम है तो कंटेंट मॉडरेशन का मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो कंटेंट होता है वीडियोस फोटोज टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ये काम कर रही है कंपनी बड़ी कंपनी है तो बहुत सारी चीजों में डील करती है तो इन चीजों को आपको एक्चुअली देखना है यहां पर लिखा हुआ है देखो दे रिव्यू कंटेंट विच मेक कवर न्यूडिटी हेट एंड अदर थिंग्स ओके तो इनका मतलब है कि जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको देखकर आपको उसमें से आइडेंटिफाई uh, करना है कि उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है जो लोग इनके हिसाब से बताएंगे इनके क्लाइंट ने बताई होगी तो आप देख रहे हो एक तरह से एनालाइज करना है वीडियो को उनको मॉडरेट करना है ये काम भी बहुत मुश्किल नहीं है समझोगे अगर आप करना चाहोगे तो बहुत आसान ही लगेगा आप को और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है वो तो है ही तो कम्युनिकेशन स्किल्स कंटेंट गाइडलाइंस आपको समझ में आनी चाहिए आपको प्रेशर में काम करना आना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए सिंपल चीजें हैं देखो ये सिर्फ ऐसी चीजें जो कोई बहुत बड़े रोल नहीं है यहाँ पर लेकिन चूंकि बड़ी कंपनी में जब आप काम करोगे तो बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा तो ये काम है यहाँ पर ठीक है कॉन्टेंट मॉडरेशन uh, का जहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट है वीडियो फोटोज टेक्स उसको आपको मॉडरेट करना है चेक करना है कि उसमें कुछ गलत चीज तो नहीं है ठीक है अगली यहाँ पर देखते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग से यहाँ पर रिलेटेड जॉब है और मैंने बहुत डिफरेंट कैटेगरी की जॉब देखी है यहाँ पर ठीक है मैं कुछ आपको उसमें से सेलेक्ट करके बता रहा हूँ बाकी बहुत सारी हैं आप लोग देखिएगा

टास्क नहीं है ठीक है अब एक तरह से टफ भी है और एक तरह से टफ नहीं है बट आपको केवल आपके सेंस और आपकी स्मार्टनेस अगली कैटेगरी है, है, प्रोसीजर टू पे प्रोसेसिंग तो यहां पर जब सेल्स ऑर्डर वगैरह होंगे क्या है वो आपको देखो काम के बाद समझ में आएगा सिलेक्शन हो जाएगा तो चिंता करने की बात नहीं है ट्रेनिंग सब आपको बताई जाएगी बड़ी कंपनी है बहुत ही

पेजेस हैं यहां पर अब आपको इनको जाकर थोड़ा चेक करना पड़ेगा और जहां पर मैं आपको आइडिया देता हूं यहां पर यह न्यू लिखा हुआ है न्यू जिसके आगे लिखा हुआ है वो डेफिनेटली ग्रेजुएट के लिए हो सकती है या फिर आ, जो फ्रेशर है उनके लिए जॉब होगी तो इसलिए आपको जो न्यू वाले हैं वो खास तौर पर चेक करना है अगर आ, देखोगे आप तो इनमें आपको आ, फ्रेशर रिलेटेड जॉब मिलेंगी और एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली नहीं मांगा गया होगा ज्यादा और ग्रेजुएशन के लिए ये जॉब हो सकती है जैसे ये देख रहे हो हेल्थ केयर क्लेम रिलेटेड जॉब है इसमें भी एनी ग्रेजुएट जीरो टू वन ईयर एक्सपीरियंस लोकेशन को कंसिडर मत करना अभी अभी अप्लाई करो वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है बाद में अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो आपको कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अच्छी कंपनी में मिल रही है हर कोई जॉब के लिए कहीं ना कहीं जाता है तो बात समझ में आ जानी चाहिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया है यहाँ पर कि भाई आप लोग किस तरह से इसको अप्रोच करो और भी ढेर सारी जॉब है पांच सौ पैंसठ जॉब में से आप अपना अपना देखो कि क्या बेस्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का बटन है यहां पर क्लिक करो आगे जो भी अप्लीकेशन के लिए आपको डिटेल डालनी है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर भरनी होगी एंड यहाँ पर अप्लाई करने का यही प्रोसीजर है जब ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर ये यह देखो यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो साइन अप के लिए ये बटन है देखो यहाँ पर साइन अप के बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालकर इसके लिए यू नो रजिस्टर कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो जो भी जॉब्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ठीक है देख सकते हो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स एंड ऑफ द जॉब प्रेफरेंस एंड एक बार रजिस्टर करना है मतलब एक तरह से और फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये हर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तो उससे आपको अप्लाई करने में आसानी होगी तो ठीक है अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके ये सारी डिटेल भर के आप अप्लाई कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज आप लोग उसको शेयर करो वन इन्फॉर्मेशन वन आइडिया कैन चेंज एनी बडीज लाइफ तो आप ये हमेशा ध्यान रखो किसी ना किसी के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकती है कोई भी इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड हो चाहे किसी तरह के काम से रिलेटेड तो डोट फोर्गेट टू लाइक एंड शेयर एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हो बाकी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है तो एक्सेंचर की जॉब अपॉर्चुनिटी है भाई आप लोग ट्राई करो एंड सब्सक्राइब uh, अभी नहीं किया हो इस चैनल को तो अभी कर लो क्योंकि और भी कई इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन में आगे शेयर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से